नमस्कार दोस्तों, कल भारत की राजधानी दिल्ली में नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उद्घाटन को किया, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि नई संसद भवन को कहां बनाया गया है, पुराना संसद भवन होने के बावजूद नए संसद भवन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और नई संसद भवन को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ, नई संसद भवन में पुराने संसद भवन की अपेक्षा क्या कुछ खास है और नए संसद भवन बनने के बाद पुराने संसद भवन का क्या होगा, क्या पुराना संसद भवन तोड़ दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि नई संसद भवन को देश की राजधानी दिल्ली में पुराने संसद भवन के पास ही बनाया गया है। नए संसद भवन को त्रिभुज के आकार में बनाया गया है, जबकि पुराना संसद भवन की आकृति वृत्ताकार थी। नए संसद भवन के लोकसभा भवन को पुराने संसद भवन से लगभग दो गुना बड़ा बनाया गया है, जिसमें 888 सांसदों के बैठने की जगह सुनिश्चित की गई है, जबकि पुरानी संसद भवन के लोकसभा भवन में 552 सांसदों के ही बैठने की व्यवस्था थी। नई संसद भवन के राज्यसभा हॉल की बात की जाए तो यह भी पुरानी संसद भवन के राज्यसभा हॉल से लगभग डेढ़ गुना बड़ा है। नई संसद भवन के राज्यसभा हॉल में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जबकि पुराने संसद भवन के राज्यसभा हॉल में सदस्यों के बैठने के लिए केवल 250 ही सीटें मौजूद थी। नई संसद भवन का आकार लगभग 64,000 स्क्वायर फीट है, जो कि पुराने संसद भवन से लगभग 17,000 स्क्वायर फीट ज्यादा है। नई संसद भवन में प्रत्येक सांसदों के लिए ऑफिस की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, जिनको पेपरलेस बनाया गया है। नई संसद भवन को बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है, जबकि पुराने संसद भवन को बनाने में उस समय 83 लाख रुपए का खर्च आया था। ये पुराना संसद भवन आपको बता दें कि लगभग 100 साल पुराना है, करीब 1927 में ये संसद भवन बनाया गया था, जिसको ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल में बनाया गया था। पुराने संसद भवन को बनाने में लगभग 6 साल लगे थे, जबकि नए संसद भवन को बनाने में केवल 2.5 साल का वक्त लगा है। इसको बनाने में 60,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने काम किया है। नया संसद भवन आधुनिक तकनीक से लैस है, जबकि पुराने संसद भवन में ये सुविधाएं सुचारू रूप से नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब आप और हम सभी के जहन में ये सवाल जरूर उठता है कि जब पुराना संसद भवन था तो फिर नए संसद भवन को बनाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पुरानी संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा हॉल में बैठने की क्षमता कम थी और बढ़ते सदस्यों को देखते हुए नई संसद भवन की जरूरत महसूस होने लगी थी। इसके साथ ही पुराने संसद भवन में मरम्मत का काम भी होना था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नई संसद भवन का निर्माण कराया गया, लेकिन नई संसद भवन बनने के बाद क्या पुराने संसद भवन को तोड़ दिया जाएगा, यह सवाल भी आपके जहन में जरूर आ रहा होगा। तो आपको बता दें कि नया संसद भवन बनने के बाद पुराने संसद भवन को तोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारी पुरातन धरोहर है, जैसे कि लाल किला और ताजमहल। तो इसलिए पुराने संसद भवन में समय समय पर संसदीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाया करेगा और इसी प्रकार दोनों संसद भवनों को भारत के इतिहास में सुरक्षित रखा जाएगा। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमें अपना प्यार देने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत शुक्रिया।